नारायण माता खटी करना पदराई चाहिए बाबा थोड़ा घूम गए तो अच्छा तेज पास न्यू के तंग एक लकड़िया में से कुछ काट बाबा ने जान भाग दियो और ये कोस भाग दो कोस भाग गया मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको लेकर आया हूं राजस्थान के गंगापुर सिटी जिले में गढ़मोरा नामक गांव में स्थित नारायणी माता के मंदिर में। जी हां साथियों, गढ़मोरा का ये जो गांव है वो मुख्य रूप से राजा मोर ध्वज की नगरी और उनकी कहानी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी गाँव में पहाड़ी के ऊपर राजा मोर ध्वज के महल बने हुए हैं। लेकिन आज अपने इस वीडियो में मैं आपको राजा मोर ध्वज के महलों के अलावा यहाँ पर एक नारायणी माता का टेम्पल बना हुआ है जिसकी पवित्रता यहाँ बहुत अधिक है, और ये उनका गांव रहा था, और यहाँ ये जो वटवृक्ष आपको नज़र आ रहा है कई सालों पुराना, इसके नीचे वो मंदिर बना हुआ है। साथियों, यहाँ नीचे की तरफ राजा मोर ध्वज का पवित्र कुंड बना हुआ है, तो इस तरफ ये जो है इसी पेड़ के नीचे माता का मंदिर बना हुआ है। अपने ऊपर की ओर से आए हैं, अगर राजा मोर ध्वज की नगरी का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इसमें नारायणी माता की कहानी सुनाऊंगा। यहाँ अपने पुजारी जी से जो भी अपने को मिलेगा उनसे बात करेंगे और माता का मंदिर देखते हैं। जी हाँ, यहाँ ये जो रास्ता है वो राजा मोर ध्वज के महलों की तरफ जाता है। सर आ गए हैं, पूरा देख के आए हैं आज, और इस तरफ ये आप देखेंगे तो ये देव नारायण जी का जो मैंने आपको मंदिर बनाया वो बना हुआ है, और यहाँ ये जो स्थान है यहाँ गढ़मोरा का पवित्र कुंड जो है वो बना हुआ है। जी हाँ साथियों, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये नारायणी माता का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल बरगद के पेड़ के नीचे। आपको यहाँ लेके चलता हूँ और आपको इस मंदिर में दर्शन करवाता हूँ और यहाँ की कहानी जानते हैं। हालांकि आपने सुना होगा कि नारायणी माता का पीहर जो था वो तो अलवर के अंदर है, जहाँ नारायणी माता का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, उसका वीडियो भी हम बना चुके हैं, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं, और ये नाई जाति की कुलदेवी मानी जाती हैं। यहाँ पर माता जी का मंदिर है जो बरसों पुराना है। साथियों, ये सामने का जो है ये नारायणी माता का मुख्य मंदिर है, तो अपने इसमें दर्शन करेंगे। लेकिन पहले जब भी आप आते हैं तो यहाँ दो कुंड बने हुए हैं पवित्र, ये वाला कुंड जो है वो महिलाओं के लिए बना हुआ है और यहाँ आगे की तरफ जाके पुरुषों के लिए कुंड बना हुआ है। तो पहले अपने उस कुंड में चलते हैं जो अत्यंत पवित्र बताया जाता है। कहते हैं कि इसका निर्माण जो है वो राजा मोर ध्वज ने करवाया था, जिसकी कहानी द्वापर युग से जुड़ी हुई है। तो राजा मोर ध्वज के महलों का वीडियो हमने अलग से बनाया है, तो पहले अपने इसके अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कुंड कैसा है। तो आप जब भी यहाँ आते हैं तो पहले इन कुंड में स्नान करें, माता के दर्शन करें, और फिर यहाँ राजा मोर ध्वज के जो महल हैं उनके भी दर्शन करें। ये कुंड बना हुआ है साथियों, यह कुंड जो है वो अत्यंत पवित्र भी है, चमत्कारी भी है। ऐसा माना जाता है कि सर्दियों में इसका पानी बिल्कुल गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है। इसकी गहराई जो है वो करीबन 10 से 15 फीट है, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें पानी आने का कोई स्रोत नहीं है, पानी जो है वो इसके नीचे से ही आता है। हालांकि निकलने का है, पानी लगातार रूप से बाहर निकलता रहता है, लेकिन इसमें आने का कोई स्रोत नहीं है। तो आप यहाँ स्नान करें और यहाँ गंदगी न फैलाएं, इसकी आप खास ध्यान रखें, फिर आप जो है वो माता के दरबार में यहाँ दर्शन करें। ये माता का मंदिर है, और इस तरफ है ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, इन सीढ़ियों की सहायता से ऊपर की ओर भी जो राजा मोर ध्वज की नगरी है 7000 वर्ष पुरानी वो बनी हुई है। बहुत सारे पुराने मंदिर बने हुए हैं, जैन बौद्ध टेम्पल भी बने हुए हैं, तो उन सभी को भी अपने देखेंगे, जिनका वीडियो हम अलग से डालेंगे। आपको लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर देखें। नारायण माता खटी करना पदराई चाहिए। अच्छा, खटी करना पदराई से बाबा छोरों घूम गए तो। अच्छा, जब मैं घूमना बाने की थार छोरों दो चार दिन में आ जाओ, जे कहते मारा मंदिर है मोकू मारा गांव में ही चुना दीजिए। अच्छा, जो है वो ये मुख्य मंदिर है, बिल्कुल कम से कम 4 से 5 बरगद के पेड़ हैं जिनमें आपको नजर आएगा, एक ये वाला है और एक मंदिर के अंदर बन रहा है ये वाला, और फिर ऊपर से ये काफ़ी पुराने हैं।
अब अपने यहाँ से अंदर की ओर चलते हैं और माता रानी के पहले दर्शन करते हैं। जी हाँ साथियों, ये नारायणी माता और इनके पति जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, यह मंदिर जो है वो गढ़मोरा नामक गांव में बना हुआ है। ये इनका गांव था क्या यहाँ पे? साथियों एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह मुख्य मंदिर है नारायणी माता का। साथियों कहते हैं कि नारायणी माता यहीं आसपास के इसी गांव की रहने वाली थी। यह गांव गढ़मोरा में है जो अब गंगापुर सिटी जिले में है। कहते हैं कि नारायणी माता की शादी जो है वो यहाँ से राजौरगढ़ में की गई थी जो अलवर जिले में पड़ता है। कहते हैं कि जब वो शादी यहाँ करके और फिर रवाना हुई ससुराल की तरफ, उनका ससुराल राजौरगढ़, तो वहाँ के लिए रवाना हुई तो कहते हैं कि उनके पति को सांप ने डस लिया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। कहते हैं कि नारायणी माता जो है वो उनको लेके वहीं बैठ गई और नारायणी माता ने कहा कि मैं अपने पति के साथ सती हूँ। जी हाँ साथियों, कहते हैं कि वहाँ भेड़ बकरी चलाने वाले जो ग्वाले थे उन्होंने नारायणी माता को सतीत्व प्रदान किया। उनका मुख्य मंदिर वहाँ अलवर राजौरगढ़ में बना हुआ है नारायणी माता, जिसका वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। यह मंदिर जो है वो यहाँ की कहानी के अनुसार एक हीरालाल नाम का जो व्यक्ति था जो लिखी हुई है कहानी, उनका बेटा कहते हैं कि एक बार गायब हो गया और फिर नारायणी माता के आशीर्वाद से कई दिनों बाद जो उनका बेटा मिला तो उन्होंने यहाँ भव्य मंदिर बनाया। तो इस मंदिर की मान्यता इतनी अधिक है कि यहाँ आसपास से के सभी गांवों से लोग जो है वो यहाँ आते हैं। ये मुख्य रूप से नाई जाति की कुल देवी हैं, ये नारायणी माता और बगल में आपको इनके पति देव जो हैं वो नजर आएंगे। ये मंदिर जो है वो काफ़ी पुराना है साथियों, तो जब भी आप आते हैं यहाँ ऊपर की ओर राजा मोर ध्वज के महल हैं। इन्हीं के मंदिर में इनके परम भक्त श्री सेनजी महाराज का ये जो है वो मंदिर बना हुआ है। यहाँ इनकी प्रतिमा लगाई गई है बिल्कुल मंदिर परिसर में ही। फिर इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ रुकने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ हैं, एक शानदार यहाँ बरामदा भी बना हुआ है और आप यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए जो यहाँ देवनारायण जी का जो मंदिर है उसमें भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जगह हैं। युवा का घर का इनके न्याय। अच्छा, ये उनका नारायण माता गांव यही था? हाँ, न्याचो गांव से। और ससुराल कहाँ था? ससुराल राजौरगढ़ में, अलवर में। अलवर में वहाँ भी मंदिर बना हुआ है ना? हाँ, ये मजार या खत्म हो गया तो फिर इन्होंने यहाँ मंदिर इन्होंने बनाया। हाँ, बैठी रही बापरी। अच्छा, जब दनी बारा हो तो आयो। हाँ, जब ग्वालियर से खाई। हाँ, अच्छा इंजर बेटा ये तो सोबाला को जगह जो पहला बोला कोई की बापरी। हम्म, ये कला सोबाला को जगह के जब तो मर गया बनना तो उतार सांप डस को बाप। अच्छा, यहाँ पे जा जब के जो पास जब मां शक्ति हुई जब वे ग्वालियर ने कत्ता लगा दी, कत्ता लगाए कत्ता में बैठ गई जब बिन्न खाई बान खाई न्यूकी काय मांगो तो थक न्यूकी हमारे यहाँ पानी कोई जब के पास न्यूकी तंगी एक बकरिया में से कुछ काय के भागो ना जान भाग लियो। अच्छा, भाग लियो जब के पास जब ना ये कोस भाजा दो कोस भाजा। अब चैन जब फट कना पर जाता तो सर फट पाछो और दकान सासी खट जाए जो वो पानी पाछो पाछो ही गयो बे घर पाछो जाता जाता गए पानी बढ़ जाता वहीं रुक गया। अच्छा, तो ये पानी वहाँ से फिर लगातार ये आ रहा है पानी? हाँ, ये न्यासु न्याय सासुर बता दिया मारा जो कुन दे चो। अच्छा, पर गई थी पैदल। अच्छा, पैदल गई थी वहाँ से। साथियों ये नारायणी माता का मंदिर था और यहाँ अम्मा ने हमें अच्छी कहानी भी बताई इसकी। मंदिर में भी आपने कहानी देखी, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है। ये मंदिर जो है वो यहाँ के जो कोई व्यापारी खटीक थे उन्होंने बनाया था। नारायणी माता का ये गांव रहा था और उनका ससुराल जो है वो यहाँ से करीब लगभग आप ये मानो 50 से 60 किलोमीटर दूर जो राजौरगढ़ अलोर है वहाँ है, उन वहाँ भी उनका मंदिर बना हुआ है। ये स्थान भी अत्यंत पवित्र है। साथियों माता की यह कहानी, माता का ये मंदिर का वीडियो होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और यहाँ का हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, यहाँ के कुंड का, राजा मोर ध्वज की नगरी का और माता के टेंपल का। आप उन सभी वीडियो को अलग अलग जरूर देखें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों। अम्मा आप यहीं की रहने वाली हो? हाँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? मारा नाम? हाँ। नाम क्या है? नाम